मंथ की सेल हो जाती है 1 करोड़ रुपया, ठीक है, 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट 33%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम 2-3 कंपनीज के ऊपर होगा। सबसे पहले आपको खुशखबरी ये सुनानी है कि HFC ने जो स्कीम किया था 25 अरब रुपया, उस हवाले से मैं ईमेल्स भी मौसूल हुई, तो आपको ये बताते चलें कि HFC के हवाले से जो भी मुतासरीन हैं वो FIA साइबर क्राइम सेल सिंध के डायरेक्टर हैं इमरान रियाज़। आप उनको दरख्वास्त दे सकते हैं। साइबर क्राइम सेल, आप FIA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आपके जितने सबूत हैं, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस हवाले से आप अपने सबूत एप्लीकेशन के साथ लगाएं। इमरान रियाज साहब को आप वो सबमिट कर सकते हैं, बाय डॉक भेज सकते हैं, या आप उनको थ्रू उनकी वेबसाइट के वो उन तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा HFC का जो स्कीम हुआ है उस हवाले से आपको बताएंगे कि इमरान रियाज साहब से हमारी बातचीत चल रही है, वो अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे कि HFC के स्कीम के हवाले से अभी तक कितनी दरखास्तें आ चुकी हैं, FIA क्या काम कर रही है, कौन कौन से लोगों को जो भी ब्रोकर थे उनको पिन पॉइंट किया गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा नाजरीन, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब मार्केट खाली थी तो आपका मालूम है कि सबसे पहले वंडर मेकर आई, उन्होंने लूट मार की, फिर विल्ड्स नामी एक कंपनी आई जिसमें अब बहुत से बहरूपिये शामिल हो चुके हैं, जिनमें एक AB लंगड़ियाल साहब हैं, उनका भी कुछ वीडियो क्लिप हमारे पास आया था, उसके ऊपर तो बताएंगे आपको उसकी हकीकत। फिर आपको मालूम है कि एक कंपनी आई थी वॉल्फ, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया था, उसके CEO ने अपना मौक़िफ़ दिया था। लेकिन अब कल हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने एक अब्दुलसलाम, जो एक KP से जिसका ताल्लुक़ है, जो स्मगलरों को भी उनकी भी पुष्टपनाही करता है, जिस तरह का वॉइस नोट उसने किया था, इसके अलावा उसने हमारा नाम लिया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद हमें कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स मौसूल हुए। समीर जदून साहब हैं, लेकिन इन समीर जदून साहब की असलियत तो मैं बाद में बताऊंगा। इन्हीं का एक वीडियो बयान, यानी कि इन्होंने जो कंपनी लॉन्च हुई है वोल्फ, उसमें ये कह रहे हैं जी कोई करोड़ में इन्वेस्टमेंट करेगा तो 33% की हम ये, यानी कि आवाम के पैसे, उन्हीं पैसों से प्रॉपर्टी ख़रीदना और फिर बिज़नेस करना। ज़रा समीर जदून साहब जो बड़े ही काबिल एहतराम और मोहतरम हैं, और बताऊंगा आपको कि इनका असल नाम क्या है, ये भी बताऊंगा आपको कि ये किन किन कंपनीज़ में रहे। लेकिन ये ज़रा एक उनका वीडियो क्लिप, ये ज़रा आप मुलाहिजा कीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। के बीच में से जो सीनियर लीडर है, फॉर एग्जाम्पल काशिफ जैन आ जाता है, एक जनरल एग्जाम्पल है, ये आपकी सिटी को लीड कर रहा है, ठीक है, इसकी 1 मंथ की सेल हो जाती है 1 करोड़ रुपया, ठीक है, 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट 33% का जो अमाउंट है उसकी लैंड बाय की जाएगी। किसके नेम के ऊपर? काशिफ जैन के नेम के ऊपर। बात को अंडरस्टैंड करना है बात जी। तो नाजरीन, ये आपने सुन लिया जो समीर जदून हैं, ये सो कॉल्ड लीडर हैं, कमीशन एजेंट हैं, क्या हैं, इनके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहली कंपनी आई है कि जो कह रही है कि भाई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करें हमारे पास, फिर हम उसके पैसों से प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे और फिर इसके ऊपर बिज़नेस करेंगे। लेकिन खैर, ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हम बताएंगे। नाज़रीन, M शॉपिंग वर्ल्ड के हवाले से भी कल हमने प्रोग्राम किया था और हमने कहा था जी तौकीर अवान साहब हैं कोई, उनसे हमारी टीम ने रब्ता किया, फिर उन्होंने हमारी टीम से रब्ता किया, लेकिन आज उन्होंने एक वीडियो पैगाम हमें भेजा है। उस वीडियो पैगाम में वो M शॉपिंग वर्ल्ड के ऊपर बड़ी ब्रीफली वो डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि M शॉपिंग वर्ल्ड बेसिकली है क्या। ये तौकीर अवान साहब वो हैं कि जो पहले नेटवर्कर थे जिन्होंने M शॉपिंग वर्ल्ड को ज्वाइन किया था, और उस्मा खान, और जिस तरह मैंने दावा किया था कि वसीम अकरम अपने आप को कैप्टन बताते थे, अब ये उनके पहले जो नेटवर्कर हैं जो अब M शॉपिंग वर्ल्ड को छोड़ चुके हैं, किन वजूहात की वजह से छोड़ा गया है, वसीम अकरम अपने आप को कैप्टन बताते थे। ये तौकीर अवान साहब का जो वीडियो बयान उन्होंने हमारी टीम को मुहैया किया है, ये आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आपका दोस्त तौकीर अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, कल वॉच टाइम की टीम में ताहिर साहब ने मेरा नाम लिया कि तौकीर साहब अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहे, वो भी सो कॉल्ड लीडर किसी तरह जो है वो बैक एंड पे हो रहे हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है ताहिर भाई। कुछ ऐसी वजूहत थी, आपके जो टीम वाले हैं उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट ज़रूर किया ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत थी जिसकी बेस पे मैं जो है वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे सका और उन वजूहत में वैसे अब सामने मैं रखना चाहूँगा। एक तो वजूहत सबसे पहले ये थी कि कंपनी एंड पे लोगों के साथ वादा किया हुआ था इस 28 तारीख का कि हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, विड्रॉल वगैरह भी क्लियर कर रहे हैं और कुछ लोगों के सोल्ड लगे हुए थे वो भी हम क्लियर कर रहे हैं। इसी वजह से मैं इस वेट में था कि कम अज़ कम हमारे उन दोस्तों के सोल्ड और विड्रॉल जो है वो क्लियर हो जाएं, कम अज़ कम किसी का लॉस हो। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है कि उसमें भी तकरीबन 95% लोगों के यही कमेंट्स हैं कि कंपनी ने अभी तक कुछ भी किसी को क्लियर नहीं किया। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि इस कंपनी के इस प्रोजेक्ट एम शॉपिंग वर्ल्ड के बिल्कुल स्टार्ट के लीडर्स में से मैं हूँ। ठीक है, उस्मा खान साहिबा ने हमें इस सिस्टम के मुतारफ़ कराया था और वसीम साहब को जो उन्होंने हमें बाकायदा तौर पे ये कहा था ये कैप्टन वसीम साहब हैं, ठीक है, उन्होंने हमें ये मुतारफ़ सिस्टम करवाया था। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो चीज़ें उनसे डिमांड की थी कि पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो इस टाइम नैब की कस्टडी में हैं, उनके मालकान आ चुके हैं, तो हम ऐसे काम में नहीं इंटर होना चाह रहे हैं कि जिस काम में दोबारा से यही हालात हों। आप हमें लीगल तौर पे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसे लाइसेंस, कोई ऐसा तरीकाकार मुतारफ़ कराएं ताकि हम मार्केट में जाके काम कर सकें। तो उन्होंने अपना तारफ़ कराया कि हम जो है वो मेरा डायरेक्ट जनरल मुशर्रफ साहब से भी तल्लक है, ठीक है, उनकी वीडियोस और पिक्चर स्पेशल्स उनके साथ वो मेरे ख्याल में पूरी मार्केट में हमें भी शो ऑफ उन्होंने करवाई। ठीक है, तो जो उन्होंने हमसे वादे कराए किए हुए थे कि मैं पब्लिक लिमिटेड हो गया, ठीक है, और उसकी उन्होंने बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट भी की। ताहिर भाई, मेरे ख्याल में आपने जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर एक दो दफ़ा वो चलाए भी हैं, ठीक है, उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट की थी कि हमारे पास पब्लिक लिमिटेड आ चुका है। फिर उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा था कि हमारे पास फर्स्ट लिप आ चुकी है, क्योंकि ये भी कहा था कि मेरे पास अब पब्लिक लिमिटेड कंफर्म आ चुका है, ठीक है, उसका उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह भी ग्रुप्स के अंदर उन्होंने शेयर किया था। तो खैर, मैं डीपली बहुत नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये शॉर्ट सी वीडियो में बाकायदा तौर पर आपके साथ इस प्रोजेक्ट के हवाले से सारा प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस दौरान अगर कुछ लोगों की पेमेंट्स हैं वो रिकवर हो जाएं। और ये मेरे वो लीडर्स भाई, उनकी मोहब्बत है जिन्होंने मुझे रोक के रखा हुआ था और उन्होंने मुझे कहा था कि तौकीर भाई आपने कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं देना जिसकी वजह से ये कंपनी का ऑनर जो है वो पाकिस्तान से ही भाग गए। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल ताहिर भाई आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सामने रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आपके प्रोग्राम में मैं 2 से 3 दिनों में इंशाल्लाह फ्री हो जाऊंगा, तो आपके प्रोग्राम में ही आके मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। यकीन माने, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं 12 साल से नेटवर्कर हूं और नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे मोहब्बत है और जितने भी नेटवर्कर हैं वो पाकिस्तान में 30 से 35 लाख नेटवर्कर हैं, ठीक है, उनसे भी हमें मोहब्बत है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा फ्रॉड और इतने बड़े झूठ मैंने कभी भी नहीं देखे। ठीक है, आप मेरी जात को भी जानते हैं, बहुत सारे नेटवर्कर जानते हैं, मेरे भाई मुझे जानते हैं, हमने काम किया है, टाइम से लेके हमने काम आज दिन तक किया अल्हम्दुलिल्लाह, और नेक्स्ट भी हम नेटवर्क मार्केटिंग को ही इंशाल्लाह करते रहेंगे और पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ऐसे 2 नंबर फ्रॉडी लोगों को पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह टिकने नहीं देंगे। ताहिर भाई, हम आपके इस मिशन में भी आपके साथ हैं इंशाल्लाह और गलत लोगों को इंशाल्लाह आपके साथ तौकीर अवान खड़ा होकर एक्सपोज करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। तो नाजरीन, ये थी एम शॉपिंग वर्ल्ड की हकीकत और ये थी वो हकीकत कि पहले दिन से हम कह रहे थे कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ आती हैं पाकिस्तान में सिर्फ लूट मार करने के लिए आती हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब तक लालची ज़िंदा है ठगबाज नौसरबाज कभी भूखा नहीं मरेगा। जो वुल्फ कंपनी है उस हवाले से हमारी टीम काम भी कर रही है, हम आपको आइंदा बताएँगे बेसिकली प्रोजेक्ट्स क्या लॉन्च किए जा रहे हैं, आवाम को किस तरह कहा जा रहा है आप इन्वेस्टमेंट करें। फिर जो ये कहते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उस हवाले से भी हम आपको चीज़ें बताएंगे सबूत के तौर पर। और इसके अलावा जो ये सो कॉल्ड लीडर हैं, जो नेटवर्कर हैं, जो अपने आप को बड़ी महान हस्ती तोप चीज़ समझते हैं, जिनका नाम है समीर जदून, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको बताएंगे समीर जदून साहब कि आपने कल जो मैसेज किया है, जो मैं कमेंट सेक्शन में मेरी टीम ने मुझे बताया कि आपने बड़ी लंबी एक तहरीर जो की है, तो आपके गोशगवार कर दूं कि ये वो लोग करते हैं जो कमज़रफ़ होते हैं, ये वो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं जिनको नए नए पैसे मिले हों, इस तरह के कमेंट्स वो लोग करते हैं जो एहसास-ए कमतरी का शिकार होते हैं। खैर, समीर जदून साहब, मुलाकात होगी, आपने ओपन चैलेंज किया है, आपका चैलेंज मैंने कबूल किया, आपके साथ ज़रूर बैठ के प्रोग्राम करूँगा। आपने कहा जी वॉल्फ कंपनी के ऊपर आपने जो चीज़ें पूछनी है मुझसे पूछें। पहले आप मुझे ये बता दें कि क्या आप वॉल्फ कंपनी के स्पोक्स पर्सन हैं या आप वॉल्फ कंपनी के जो मालिक हैं उनके राइट हैंड हैं? ये चीज़ें आप बता दें, फिर आपके साथ हम डिबेट भी करेंगे। आपने और बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर की, क्योंकि मेरे ख्याल से आप एहसास कमतरी का शिकार हैं, और ज़ाहिरी बात है जब कहीं पे कोई चीज़ नहीं मिलती तो इंसान अपना गुस्सा तो निकालता है। अब्दुलसलाम आपका क्योंकि बेस्ट बडी है, वो हम सबूत के तौर पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, वो आप तस्वीर देख लें, ये आप ही की तस्वीर है। अब इसको एडिट तो हम कर नहीं सकते, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपके ऊपर मैं ज़रूर रोशनी डालूँगा और बताऊँगा कि किस तरह लोग गरीब और मजबूर आवाम को चूना लगाते हैं। मजबूर किस वजह से कि पाकिस्तान में नौकरियां हैं नहीं। ये इस तरह के ठगबाज नौसरबाज जब मार्केट में आते हैं, ये लोगों को बड़े इनामात का लालच देते हैं, फिर लूटते हैं और फ़रार हो जाते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।